नमस्कार साथियों, अभी जो बारिश का सीज़न चल रहा है इसके अंदर अपनी सब्जी वर्गीय फसलें जैसे टमाटर हो गई, मिर्च हो गई या अन्य किसी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलें, इसके साथ ही अपनी सीरियल क्रॉप देखें तो जैसे मूंगफली की फसल है या फिर कॉटन की फसल है, इसके अंदर फंगस जनित बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और आजकल अपन देख रहे हैं कि टमाटर के भाव काफ़ी आसमान छू रहे हैं, क्योंकि जो टमाटर का एरिया है उसके अंदर बेमौसम बारिश के कारण जो ब्लाइट की जो फंगस जनित बीमारी होती है, जैसे लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, उसके कारण वो सारा का सारा टमाटर ख़राब हो चुका अचानक से, और जिसके कारण मार्केट के अंदर टमाटर है नहीं और डिमांड होने की वजह से मार्केट में टमाटर के भाव ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आप मेरे पास ये एक उत्पाद देख सकते हैं, इफको एमसी का सुकोया का, तो ये एक फंगीसाइड है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी फंगस जनित बीमारियों के लिए प्रभावी है और किस प्रकार से इसको अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी फसलों के अंदर इस्तेमाल करना है, तो आज इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं सुकोयाका में सामान्यतः दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% में आता है, इसी के साथ टेबुकानाजोल 18.3% WWSC के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसमें जो एजोक्सिस्ट्रोबिन है वो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, जबकि टेबुकानाजोल सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। मतलब ये दोनों टेक्निकल अलग अलग है, एक सिस्टमेटिक है और दूसरा कॉन्टैक्ट है। यह मुख्यतः धान में शीत ब्लाइट, मिर्च के अंदर पाउडरी मिड्यूल्स, इसके साथ जड़ गलन, डाई बेक, विल्ट जैसी फंगस जनित बीमारियों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रभावी देखने को मिलता है। इसी के साथ टमाटर के अंदर जो अर्ली ब्लाइट आती है, लेट ब्लाइट होता है, उसके प्रति पूर्णतः नियंत्रण ये बीमारियों में करता है। साथियों, सामान्यतः जो फंगीसाइड होते हैं उसके प्रति फफूंदी होते हैं वो रोग प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार से कोई अपन लगातार अपने यहाँ पर जिस प्रकार से कार्बन डाइजिमेनकोजिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत सारी जो फफूंदी है वो उसके प्रति प्रतिरोधकता प्रदर्शित कर रहे हैं। परंतु सुकोयाका में दो शक्तिशाली फफूंदी नाशक टेक्निकल होने के कारण इसके प्रति किसी प्रकार की प्रतिरोधकता किसी प्रकार के फंगस में नहीं देखी गई है, अतः यह फसलों के अंदर जल्दी व ज़्यादा प्रभावी देखने को मिल रहा है। साथियों, सुकोयाका ज़्यादा विषैला नहीं है, अतः यह मित्र फफूंद को नुकसान नहीं पहुँचाता। इसी के साथ सिस्टेमेटिक होने के कारण मौसम के प्रति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथियों, इसका इस्तेमाल सभी प्रकार के कीटनाशक, फफूंदी नाशक व जल घुलनशील उर्वरकों के साथ, नैनो यूरिया के साथ व नैनो DAP के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको अलग से इन उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए या इन कीटनाशकों के इस्तेमाल के लिए अलग से किसी प्रकार का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक स्प्रे में आप इनका स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस्तेमाल के समय कितनी मात्रा उपयोग करनी है और क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। साथियों, बीमारियों का प्रकोप अगर कम हो तो उस दशा में आप 1 से लेकर 1.5 ml तक, मतलब 1.5 ml तक प्रति लीटर जल में घोलकर आप इसका इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं। जबकि अगर ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है, जैसे टमाटर में आपको लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो उस समय आप 2 ml प्रति लीटर जल में घोलकर इसका इस्तेमाल अपने यहाँ पे कर सकते हैं। साथियों, ये जानकारी किस प्रकार की लगी हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।